हाय फ्रेंड्स, एलजी वॉशिंग मशीन टचपैड में अगर प्रॉब्लम आएगा तो कैसे हम रिपेयर करेंगे आज देखेंगे गाइस। सबसे पहले तो ऑन कर लीजिए और बराबर से वायरिंग कीजिए और देखिए, जैसे ही हमने ऑन किया है ये ऑन ही नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इसमें 6 स्क्रूस रहते हैं, थोड़ा आराम से खोल लीजिएगा गाइस। अगर आप एक्सपीरियंस इंजीनियर हैं तो ठीक है, या फिर थोड़ा ध्यान से खोलिएगा। अगर लॉक्स टूट गए तो वापस ये बैठना थोड़ा मुश्किल है, तो आराम से इत्मीनान से खोलिएगा गाइस। और जैसे ही आप खोल जैसे हमने इसको खोला तो हमने पाया कि कस्टमर ने बाथरूम में रखा था वॉशिंग मशीन को, पानी जाने की वजह से थोड़ा थोड़ा कार्बन फॉर्म हो गया है, थोड़ा थोड़ा बटन्स मिसिंग है, थोड़ा थोड़ा बटन्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्रीनिश हो गया है। ग्रीनिश बटन्स को मैंने रिपेयर ऑलरेडी किया है, तो चलिए सिखाता हूँ मैं आपको कैसे इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमारे को एल्यूमिनियम का एक टेप आता है जो नॉर्मली एवरीवेयर अवेलेबल है, वो ले लीजिए। इसका लॉजिक समझिए, कंटिन्यूटी आना है, बहुत ही सिंपल है। एक दूसरे को रेसिस्टेंस होके ये कॉन्टैक्ट होता है, आप देख पा रहे हैं ग्रीनिश बटन में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो देखिए, एल्युमिनियम जैसे कि मैंने टेप दिखाया था उसमें कंटिन्यूटी आ रहा है, आराम आराम से कोई भी स्पेसिंग से आ रहा है। तो इसको आराम से देखिए, अगर अच्छा बटन है तो कंटिन्यूटी आएगा। आप मैं चेक कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं जो अच्छा है उसमें कंटिन्यूटी आ रहा है, जो अच्छा नहीं है उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। जैसे कि देखिए, इधर भी एक तो मिसिंग है, मगर जो जो अच्छा है उसको कंटिन्यूटी आ रहा है। ये बटन जो आप देख पा रहे हैं इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है, ये नॉर्मली ग्रीनिश बटन था जिसको मैंने रिपेयर किया है। आपको सिखाता हूँ मैं। सबसे पहले आप वो टेप को ले लीजिए जो मैंने आपको दिखाया था, एग्जैक्टली छोटा करके काट लीजिए और उसमें एक गमिंग टेप रहता है, वो स्टिकर को अलग-अलग करके आप वो जो ग्रीनिश स्टिकर है उसको अच्छी तरह से चारों साइड जैसे वो नॉर्मली है वैसे चारों तरह से अच्छी तरह चिपका दीजिए। अगर एक्स्ट्रा स्टिकर लग गया है तो सीज़र की मदद से आप उसको कट भी कर सकते हैं, मगर ध्यान में रखिए अच्छी तरह चिपकना है वो चारों तरफ, क्योंकि आगे पीछे दोनों भी कंटिन्यूटी आना है। एक्स्ट्रा पार्ट्स को जैसे कि मैंने बताया आप उसको अच्छी तरह कट कर लीजिए, और जैसे ही कट करेंगे वो एकदम रेडी हो जाएगा, जैसे कि मैंने इधर आपको बना के दिखाया है। और ये देखिएगा, इस जो वो पैनल में रहेगा उसको कैसे रिपेयर करेंगे, कार्बन को तो हम घिस नहीं सकते, तो उसी को थोड़ा काट लीजिए। वो जो एल्युमिनियम का टेप है उसको काट के एग्जैक्टली पूरी तरह, उसमें भी गम रहेगा, आप उसको कांटेक्ट करने की पूरी साइड मैंने लगा दिया, आप जैसे कि देख पा रहे हैं गाइस। एल्युमिनियम का टेप चिपकाने के बाद आप बटन्स कैसे चिपकाएंगे, कोई भी 5 रुपये वाला जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है वो फेविक्विक ले लीजिए। सिर्फ एक बूंद लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए, अगर कंटिन्यूटी नहीं आएगा ज़्यादा लगाने से तो सिर्फ एक बूंद लगा के उंगली से थोड़ा आराम से प्रेस कर दीजिए, थोड़ी देर उसको ड्राई होने दीजिए। और ऐसे ही लाइन से जो जो आप बटन्स रिपेयर किया है उसको स्पेसिफिकली हर जगह आराम आराम से लगा दीजिए। और जैसे ही मैं बोला, थोड़ा सिर्फ एक ड्रॉप ना के बराबर लगाना है गम, क्योंकि कंटिन्यूटी मिस हो जाएगा। और जैसे ही वो लग जाने के बाद आपको मैं नेक्स्ट कैसे मिसिंग बटन को रिपेयर करना है दिखाऊंगा, मगर ये प्रोसेस आराम से कीजिए, अच्छे बटन में कंटिन्यूटी देखिए। देखिए गाइस, जैसे कि आपको एक मिक्सी का कार्बन बुश लेना है, उसका स्प्रिंग ही हमारे को यूज़ होगा, और वो स्प्रिंग को अच्छी तरह उसको रोटेट करके आप उसको अंदर तक घुसा दीजिए गाइस। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अगर पूरे बटन्स मिस हो गए तो आप स्प्रिंग की मदद से पूरे के पूरे बटन्स को रिपेयर कर सकते हैं। और ये टाइटली बिठा दीजिए गाइस, और बिठाने के बाद उसको एग्जैक्ट बटन के लेवल में उसको काट दीजिए, अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं एकदम रेडी है हमारा पैनल, जो जो नया बटन लगाया है, जो जो स्प्रिंग लगाया है अभी ऑन करने के लिए, और पैनल में भी स्टिकरिंग कर दिया है, अभी रेडी करेंगे गाइस, ऑन करके देखेंगे।
देखिए जी गाइस, जैसे ही वायरिंग बराबर करने के बाद ध्यान में रखिए, कॉशन ऑन करने के बाद आप देख पा रहे हैं ऑन हो गया है और कनेक्शंस भी हो गया है। अभी हम ऑन करेंगे, ऑन हो गया है और पूरे बटन्स कांटेक्ट में आ गए हैं और अच्छी तरह काम कर रहे हैं गाइस। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ये हमारा नया चैनल है, ये पहली वीडियो है हमारी। अगर आपको सपोर्टिव लगता है तो प्लीज़ गाइस, फर्दर में हम बहुत ही हमारे टेक्निकल के रिलेटेड हम ज़्यादा वीडियो लाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए गाइस। थैंक्स।